नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। अब मध्य प्रदेश में बेरोजगारों को दो दो भैंसें दी जाएंगी, ये कहना था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। भैंसे पालो, दूध बेचो, पैसे कमाओ और घर चलाओ। हमने तय किया कि रोजगार के कई अवसर अपन को, वैकल्पिक अवसर अपन को ढूंढना पड़ेंगे। तो आज बुधनी में हमने शिविर लगाया था, रोजगार के लिए लोन मिल जाए, बच्चों को नौकरियां मिल जाए, अलग अलग चीजों के। तो एक तो उसके माध्यम से रोजगार देंगे। हम अपन ने एक योजना और बनाई है अपने जिले के लिए, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत हम रोजगार के लिए एक परिवार को दो भैंसे, पात्रता के हिसाब से जिनका आता है वो दो दो भैंसे देंगे, और आधा पैसा जिस भी भैंस की कीमत जितनी है तो आधा पैसा आपको बैंक से फाइनेंस होगा और आधा पैसा मामा दिलवाएगा सरकार के खजाने से। ये योजना बनाई, 2.5 लाख एक भैंस के लिए, तो 1.25 लाख बैंक देगा, 1.25 लाख हम देंगे, ताकि धीरे धीरे दूध के काम में भी लोगों को रोजगार मिल सके। आज उसी योजना के तहत कितने लोगों का स्वीकृत हुआ है सर? 8 लोग हैं सर, यहाँ पर एक एसटी का है सर, 7 एससी के हैं, सबको दो दो मुर्रा भैंसे मिल रही है। ये तालपुरा के हैं सर? ये सर लेकिन ये तो सबके लिए ओपन है ना योजना? जी सर, ये और अन्य जगहों पे भी है सर। तो ये भैंसे भैया कौन लाए और छाट के कहा हो भैया? राकेश जरा माइक पे बताओ, भैंस में अच्छी है कि नहीं? अच्छी है सर, अच्छी भैंस है सर। बाद में मत कहियो मामा दूध ही नहीं दे रही। नहीं, मामा अच्छे दूध दे रहे ना। अच्छी है जी, बहुत तो, अच्छी भैंस है सर। तो खुश हो सब? बिल्कुल खुश है सर। अब दूध कहाँ बेचोगे? दूध मतलब बुधनी में बेच देंगे। बुधनी में बेचोगे जी? 8 लोगों को बदल रहे हैं जी। ठीक है, तो ये योजना भी बनाई, तो धीरे धीरे योजना बना के कैसे रोजगार ज्यादा मिले उसकी कोशिश। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं।